दोस्तों आज की कहानी है दामाद जी, तुमको तो मुझे दामाद कहते हुए भी गिन आ रही है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कशिश बेटा कहाँ हो तुम? मोनिका ने कशिश को घर में घुसते ही आवाज लगाते हुए कहा, लेकिन उसे कशिश की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। वो अभी अभी बाजार से बेटी काव्या के साथ लौटी थी और अपनी बहू को सामने ना पाकर चिंतित तो रही थी। मम्मी हो सकता है कि भाभी अपने कमरे में हो। काव्या भी कशिश की कोई प्रतिक्रिया ना मिलने से कुछ सोच कर बोली, हाँ सही बात, हो सकता है कि वह अपने कमरे में हो, लेकिन मैं तो उससे बोल कर गई थी कि मेरे आने तक खाना की तैयारी करके रखना, क्योंकि जवाई जी जल्दी खाना खा लेते हैं और उसने कहा भी था कि वो बना लेगी, लेकिन रसोई तो बिल्कुल ठंडी पड़ी है। मोनिका कशिश को रसोई में भी देख आई थी और अब उसके कमरे में पहुंच गई। अरे कशिश बेटा कहाँ हो? और कमरे में ये एकदम से अंधेरा क्यों कर रखा है? मोनिका ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वो देखती क्या है कि कशिश एकदम डरी सहमी सी पलंग के कोने पर बैठी है। डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था और वह अचानक मोनिका को देखकर एकदम से सौंक उठी और मोनिका के पीछे पीछे से काव्या भी पहुंच गई थी। क्या हुआ कशिश बेटा, तुम इतना ज़्यादा डरी हुई क्यों लग रही हो? मोनिका कशिश के पास जाकर बोली, मम्मी जी अचानक मोनिका के हाथ का प्यार भरा स्पर्श पाकर फपक उठी कशिश, क्या हुआ मेरा बच्चा, मुझको बताओ कि आखिर क्या बात है? मोनिका कशिश के इस तरह रोने से एकदम घबरा उठी। आखिर अभी उसकी शादी के दिन कितने हुए? यही कोई जुमा 8 दिन। उसकी शादी के बाद सारे मेहमान एक-एक करके विदा हो चुके थे, सिर्फ बेटी काव्या रह गई थी और उसको भी आज जवाई जी मनीष लेने आया था। तो बाजार से कुछ जरूरी सामान का लाने को कहकर मोनिका काव्या को लेकर निकल गई। मनीष घर पर ही था क्योंकि मनीष ने थके होने के कारण साथ जाने के लिए मना कर दिया था देव और गौरव का भी, तब तक दुकान से आने का समय हो जाएगा, तो इसलिए कशिश से कह के गई थी कि तुम तब तक खाने की तैयारी करके रख लेना, लेकिन या तो वह अपने कमरे में इतनी डरी हुई बैठी थी। कशिश बेटा जब तक तुम हमको कुछ बताओगी नहीं कि तुम्हारे इस तरह डरने की वजह क्या है तो हम कैसे समझेंगे? मोनिका दुलार से कशिश के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, भाभी मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप निर्डर होकर कहिए कि आपको क्या कहना है। काव्या भी कशिश की ठोड़ी में हाथ लगा कर बोली, जी मम्मी वो हाँ बेटा बताओ, आप मेरी बात पर क्या विश्वास करेगी? कशिश डरते डरते बोली, क्यों नहीं करूँगी मम्मी जी, आप और दीदी जब बाजार चली गई तो मैं भी खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई, तब जीजा जी इतना कहकर फिर से सुबह उठी कशिश। हाँ बेटा साफ साफ बताओ जीजा जी, क्या उन्होंने पीछे से आकर मुझको एकदम से सुनने की कोशिश की? मैं तो डर के मारे थर थर कांपने लगी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और जब उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैंने उनके
हाथ को दांतों से काट कर अपना हाथ सुड़वाया। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप जीजाजी को बोलकर उनका हाथ देख लीजिए। कैसे सभी भी मोनिका के कलेजे से लगी सुबग रही थी। हे भगवान, मनीष ने यहाँ भी अपना कारनामा दिखा दिया। एकदम से घबरा उठी काव्या, मतलब काव्या। मोनिका ने सोग कर काव्या की तरफ देखा। मम्मी जी, आपके दामाद जी का यही स्वभाव है, जहाँ कोई सुंदर लड़की देखी नहीं कि उनकी नजरों में वासना घर बना लेती है। काव्या बहुत ज्यादा परेशान होकर बोली, लेकिन काव्या तुमने मुझको अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? मम्मी मैं किस मुंह से उनके कारनामे आपको बताती, लेकिन मुझको ये पता नहीं था कि मनीष इतना गिर जाएंगे कि वह हमारे घर की इज्जत पर भी हाथ डालने से सूखेंगे नहीं, वरना मैं उनको अकेले भाभी के साथ छोड़कर ही नहीं जाती। अब काव्या मोनिका का हाथ पकड़कर फपक उठी, हे भगवान ये क्या सुन रही हूँ मैं? मोनिका दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए बोली, मम्मी कान बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैंने कितना मना किया था आपसे ये शादी करने के लिए, लेकिन आपकी तो आंखों पर मनीष की जायदाद का पर्दा जो पड़ा हुआ था। मनीष की हरकतें मुझको शादी से पहले ही नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन बुआ जी ने अपनी ननन के बेटे के लिए आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी वो ने अपने आप को अपनी ननन की नजरों में मान बनने के लिए आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बिख बिलखने लगी काव्या। मनीष यहाँ आओ। अचानक वातावरण में मोनिका की तेज आवाज गूंज उठी, जी मम्मी जी। मनीष कुछ कुछ घबराया गुस्सा हुआ मोनिका के सामने पहुंचा, क्या हुआ मम्मी जी? ये जो कशिश कह रही हैं वो क्या सही है मम्मी जी? कशिश झूठ बोल रही है, ये कहते हुए मनीष का चेहरा एकदम फपक पड़ा था। मुझको विश्वास है कि मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही। अपना हाथ आगे करो। मनीष ने अपना बाया हाथ आगे कर दिया। मम्मी जी बाया नहीं दाया। मोनिका का सहयोग पाकर तब वो फुफकार उठी, कशिश सुना नहीं तुमने? मनीष बहू कह रही है कि बाया हाथ नहीं दाया हाथ आगे करो। मोनिका की आंखें जैसे आग उबल रही थी और डरते डरते मनीष ने दाया हाथ आगे कर दिया। सटा की आवाज के साथ मनीष के गाल पर काव्या की 500 उंगलियां सब गई। मनीष तुम्हारी हिम्मत कैसे है हुई मेरी भाभी पर गलत निगाह डालने की? आज तो काव्या सचमुच गायब शेरनी बन गई थी। सोच लेना काव्या, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मनीष काव्या को धमका कर अपना गाल सहलाते हुए बोला, मनीष परिणाम तो हम तुमको दिखाएंगे कोर्ट में। मनीष सही तुम भूल गए कि कशिश हमारी बहू है? 10 बार तुमको सोचना चाहिए था कोई भी हरकत करने से पहले। तुमको तो दामन कहते हुए भी घिन आ रही है, मोनिका सिलाकर बोली, जो गलती मुझसे पहले हुई अब हम खुद उसको सुधारेंगे। तुमको काव्या को तलाक देना ही होगा, और हाँ तुरंत अभी के अभी देव और उसके पापा के आने से पहले इस घर से निकल जाओ, वरना अपनी हालत के तुम खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो लोग सबको सुनकर ये भूल जाएंगे कि तुम इस घर के दामाद हो और तुमको अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मोनिका ने मनीष का हाथ पकड़कर घर के बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया। अब तो काव्या और कशिश दोनों ही मोनिका के गले लगकर फिर से भाभा घुटी, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे बच्चों। मुझको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरी आस्तीन में ही
सांप पल रहा है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं देव और तुम्हारे पापा के घर आते ही उनको सब कुछ बताकर निर्णय लेने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि एक बार अगर सांप को छोड़ दिया तो वो दोबारा डसने की तैयारी करेगा, इसलिए उसके फन को कुचला जाना जरूरी है। मोनिका एक संकल्प लेते हुए उन दोनों को समझा कर बोली, धन्यवाद मम्मी जी। को कशिश मोनिका के पैर में झुक कर बोली, थैंक यू मम्मी, मेरी जिंदगी को नरक से निकालने के लिए। जहाँ कशिश के चेहरे पर अब एक खुशी, तो वही अब काव्या के चेहरे पर अजीब सा संतोष।